पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला और फिर एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और फिर सलमान और शाहरुख को जान से मारने की धमकी के बाद से ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सुर्खियों में बना हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई को लेकर हर किसी के मन में यही सवाल आता है कि आखिर क्यों लॉरेंस बड़े बड़े लोगों को निशाना बना रहा है और कैसे एक आम छात्र खतरनाक गैंगस्टर बन गया। लॉरेंस बिश्नोई अपराध की दुनिया में कैसे आया ये बहुत ही कम लोगों को पता है। अब लॉरेंस बिश्नोई को 5 बार गिरफ्तार करने वाले चंडीगढ़ के पूर्व इंस्पेक्टर अमन जोत सिंह ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में कई बड़े खुलासे किए। पूर्व इंस्पेक्टर अमन जोत सिंह बताते हैं कि जुर्म की दुनिया में नाम कमाने वाला लॉरेंस बिश्नोई शुरू से अपराधी नहीं था। पुलिस कांस्टेबल का बेटा लॉरेंस शुरुआत में सीधा सादा लड़का था। उसे कानून में दिलचस्पी थी और वो कानून की पढ़ाई कर रहा था। लॉरेंस के पिता का सपना था कि बेटा आईएएस ऑफिसर बने। 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद लॉरेंस चंडीगढ़ चला गया। यहाँ उसने डीएवी कॉलेज में दाखिला लिया। धीरे धीरे उसकी दिलचस्पी छात्र राजनीति में होने लगी। वो लॉ की पढ़ाई करने लगा। साल 2010-11 की बात है जब विक्की मिद्दू खेड़ा एसओपीयू का प्रेसिडेंट था और लॉरेंस बिश्नोई उसी पार्टी में था। तब विक्की मिद्दू खेड़ा का किसी से झगड़ा होने पर लॉरेंस बिश्नोई ने सेक्टर 11 चंडीगढ़ में बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी थी। ये वो पहला मौका था जब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया था। तब वो महज 18 साल का था और पुलिस उसे गिरफ्तार करती तो वो अंकल या सर कहता था। पूर्व इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह ने बताया कि देखते ही देखते जब 6वीं बार लॉरेंस बिश्नोई अरेस्ट हुआ तो उसने कहा कि आगे देखना, 7-8 राज्यों की पुलिस मुझे ढूंढेगी। उस वक्त किसी ने ये सोचा नहीं था कि देखते ही देखते लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाएगा कि सिद्धू मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी को मार देगा और सलमान खान को मारने की धमकी देगा। अमनजोत सिंह ने बताया कि कई बार स्टूडेंट पॉलिटिक्स की लड़ाई में भी वो 5-6 बार गिरफ्तार हुआ। लॉरेंस के बार बार जेल जाने पर बड़े कैदियों को भी लगने लगा था कि इस लड़के में कुछ तो बात है, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई का लिंक बड़े गैंगस्टर से हो गया। इसके बाद उसकी क्राइम की दुनिया में पकड़ बनती गई। लॉरेंस जब बार बार जेल जाता रहा तब जेल में उसकी दोस्ती रॉकी फाजिल्का से हुई थी। लॉरेंस के 5-6 बार जेल जाने के बाद रॉकी फाजिल्का ने उसे यूज करना शुरू कर दिया। पूर्व इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह ने बताया कि रॉकी फाजिल्का बहुत पुराना गैंगस्टर था। उसकी पढ़ाई चंडीगढ़ के GCM कॉलेज में हुई थी। यहीं उसकी मुलाकात डिम्पी नाम के गैंगस्टर से हुई थी। बाद में उसने भी बड़े बड़े क्राइम किए। जब लॉरेंस बिश्नोई बांदा जेल गया तो उसकी पहचान रंजीत सिंह डुपला से हुई। रंजीत जसविंदर सिंह रॉकी यानी रॉकी फाजिल्का का काफी क्लोज था। रॉकी पहले ही मुख्तार अंसारी ग्रुप के साथ जुड़ा था और बहुत ही नामी गैंगस्टर था। रॉकी ने जेल में ही लॉरेंस की ग्रूमिंग की, फिर ये क्राइम की दुनिया में आगे बढ़ता रहा। पहले लॉरेंस पंजाब में एक्टिव था, धीरे धीरे इसने अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। इस गैंग के सदस्यों ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी पब्लिसिटी की। लॉरेंस गैंग देखते ही देखते हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से जुड़ गया। उसका गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। अब तो लॉरेंस गैंग के मेंबर विदेशों में भी एक्टिव है। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठकर क्राइम को अंजाम देता है। PT ऑनलाइन की रिपोर्ट।